तो हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप लोग। तो डिज्नी की मुलान मूवी आ चुकी है, तो स्पॉइलर अलर्ट दे दूं कि इस मूवी की फुल स्टोरी हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग में से जिन्होंने मुलान की एनिमेशन वाली मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसकी बेसिक स्टोरी क्या है, पर जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि कहानी बेसिकली चाइना से ली गई है। जैसे मुलान नाम की एक लड़की अपने फादर के प्लेस पर लड़ने जाती है, वो भी बिना बताए कि वो लड़की है, बेसिकली लड़का बनकर। बट सी वॉज एन अमेजिंग वॉरियर और वो बहुत अच्छा लड़ती थी, और एक टाइम पे आके उसकी असलियत रिवील भी हो जाती है। पर मूवी में कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, लाइक विचेस, मैजिक्स एक्सेट्रा। तो चलिए आज इस मूवी को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करते हैं और इस मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। पहले चलिए इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। अब मूवी को डायरेक्ट किया है निकी कारो ने, और मूवी नई है तो रेटिंग्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है मुलान और उसके छोटे भाई मोडी से, जहां हमें ये बताया जाता है कि मुलान कुंग फू बहुत अच्छे से जानती है और जिसके कारण वो एक बहुत अच्छी फाइटर भी है। उसके डैड वो भी काफ़ी अच्छे वॉरियर हैं, पर वो अब बहुत ओल्ड हो चुके हैं जिसके कारण अब वो फाइट नहीं कर सकते हैं। अब नामों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि नेम्स चाइनीज़ में हैं तो थोड़ी अलग हैं। अब हम आगे देखते हैं कि उसके डैड किसी भविष्य देखने वाली वुमेन के पास जाते हैं, जो उन्हें बताती है कि मुलान की शादी बहुत मुश्किल है और उसकी लाइफ वॉरियर वाली होगी। फिर अगले सीन में हम एक दिखाया जाता है राजा का दूत, जो कि विलेजर्स को बताता है कि किंग ने ऑर्डर दिया है कि उन पर अटैक हुआ है और उन्हें सैनिक की जरूरत है, और इसीलिए सभी को अपने फैमिली से एटलीस्ट एक मैन को तो भेजना ही होगा फाइट के लिए। अब मुलान नहीं चाहती थी कि उसके फादर जाएं क्योंकि वो ओल्ड थे, सो डेफिनेटली ही विल बी किल्ड। सो मुलान उनके प्लेस पर लड़का बनकर जाती है ताकि उनके फादर को नहीं जाना पड़े। और जब ये बात उनके पेरेंट्स को पता चलती है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। अब एनिमी साइड में रूराम की तरफ से उनका कमांडर पहले भी नॉर्थ वे कंट्री पर अटैक कर चुका था, पर फिर भी वो बहुत बार फेल हो चुका था। अब हम आगे देखते हैं कि मुलान लुइस नाम के एक नगर में थी जहाँ पर अटैक होने वाला था, और वहीं से उन्हें उसे बचाना था। अब नॉर्थ वे के प्रिंस राजकुमार शॉ दुश्मन के हाथों पर पकड़े जा चुके थे और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, और उन्हें बचाने के लिए कमांडर एक टुकड़ी भेजते हैं जिसमें मुलान भी थी, ताकि वो उसे छुड़ा पाए, और वो टुकड़ी बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ा पाती है। अब हम देखते हैं कि रूरान के कमांडर को पता था कि वो दीवारों की घेराबंदी को तोड़कर अंदर नहीं जा पाएंगे, तो वो एक तरीका निकालते हैं और एक विच का सहारा लेते हैं, जो अपने मैजिक से ढेर सारे चूहों को अंदर घुसा देती है, और वो चूहे अंदर तबाही मचा देते हैं, कई लोगों को काट लेते हैं और गोदाम का बहुत सारा खाना भी बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। अब एनिमी कमांडर एक और चाल चलता है और वो उनके द्वारा पकड़े गए एक इम्पॉर्टेंट सोल्जर को लौटाने का प्रस्ताव देता है और उनके साथ 5-6 सैनिकों को भेज देता है। अब प्रिंस सोचते हैं कि 5-6 सैनिक का तो कोई चाल तो होगी नहीं, क्योंकि 5-6 सैनिक क्या ही बिगाड़ पाएंगे, और वो डोर ओपन कर देते हैं। लेकिन वो 5 सैनिक उनके बेस्ट सैनिक थे और वो हमला कर देते हैं, एंड दे वर बेस्ट इन देयर वर्क। इस अटैक से वहाँ के गोदाम जल जाते हैं, बड़े नंबर्स में सैनिक मारे जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनका कमांडर भी मारा जाता है। अब उसके बाद राजकुमार इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि मुलान इसके बाद रिवील करती है कि दैट शी इज़ गर्ल, और प्रिंस को कहती है कि वो दोबारा आर्मी लेके आए, और तब तक के लिए मुलान और उसके कुछ साथी जो बचे हुए थे वो मिलकर उसकी रक्षा उस जगह की रक्षा करेंगे। तब तक प्रिंस उस आर्मी को ले आएंगे और वहाँ से वो वापस से अटैक कर सकेंगे। तो प्रिंस वापस राज्य लौट जाते हैं ताकि वो वहाँ से आर्मी लेके आए, और यहाँ मुलान और उसके कुछ साथी यहाँ पे पहरा देते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूँ कि वो राज्य और मुलान जहाँ पे अटैक कर रही थी और डिफेंड कर रही थी उस जगह से कम 15 दिनों की दूरी पर था। तो इन 15 दिनों तक मुलान और उसके कुछ बची खुचे साथियों को ही उस जगह की रक्षा करनी होगी। अब 15 दिन तक वो भूख से लड़ते हुए और एनिमी के आर्मी की टुकड़ियों से अंदर घुसने से रोकते रोकते बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत लोग भूख से मारे जाते हैं, और आखिरकार मुलान उसके फ्रेंड और एक बूढ़ा आदमी बचता है। और आखिरकार इंतज़ार करते करते 16वें दिन मुलान डिसाइड करती है कि वो उसका सामना करेगी, और वो अपने एक साथी के साथ उसका सामना करने के लिए बाहर चली आती है। अब काफ़ी देर तक लड़ने, थके होने और भूखे होने के कारण मुलान हारने लगती है। इतने सारे सैनिकों को मारने के बावजूद भी अभी भी बहुत सैनिक बाकी थे, और इसीलिए वो बहुत थक चुकी थी, और एक एट द पॉइंट हमें लगता है कि अब मुलान नहीं बच पाएगी। लेकिन तभी
हम देखते हैं कि राजकुमार शॉ आर्मीज के साथ वापस आ चुके थे और वो सब मिलके वापस से उन पर अटैक कर देते हैं और जंग जीत जाते हैं और वार ख़त्म हो जाती है और मूवी द एंड हो जाती है। अब मूवी काफ़ी अच्छी है और फीमेल पावर को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है और फाइट सीन भी बहुत अच्छे हैं। कुल मिलाकर डिज्नी ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऊपर से ऑसम मूवी फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। मोर वीडियोज़ आर कमिंग। स्टे ट्यून्ड। पीस।